थाना ईसानगर पुलिस ने रामपुर स्टेशन के पास हुई हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मृतक के साधु और उसके साथी को किया गिरफ्तार। दिनांक 18 जुलाई 2024 को थाना ईसानगर क्षेत्र के रामपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मृत शरीर की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना ईसानगर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्तगी मृतक गणेश कुशवाहा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर की पत्नी द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने घटना को गंभीरता से देखते हुए शीघ्र हत्या का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं SDOP बिजावर शशांक जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ईसानगर उप निरीक्षक किशोर पटेल एवं पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं संबंधित स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक की पत्नी के कथनों एवं एकत्रित भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य के अनुसार थाना ईसानगर में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दौरान विवेचना एकत्रित साक्ष्य अनुसार हत्या की घटना में सम्मिलित मृतक के साधु सोनू उर्फ हरिश्चंद्र कुशवाहा निवासी सन सिटी के पास छतरपुर को अभिरक्षा में लिया गया। संदेही ने डंडे से मारपीट कर हत्या करना स्वीकार किया। हत्या का कारण मृतक की पत्नी जो उसकी साली है की इच्छा बगैर एक तरफा संपर्क बनाना चाहता था। इस बात का मृतक की पत्नी द्वारा विरोध भी किया गया। पति उसमें आड़े आ रहा था। इस कारण से आरोपी सोनू उर्फ हरिश्चंद्र कुशवाहा ने अपने साथी संतोष उर्फ संतु रजक के साथ मिलकर मृतक गणेश कुशवाहा की हत्या कर दी थी। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा व मोटरसाइकिल बॉक्सर जब्त की गई है। विवेचना कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी ईशानगर उप निरीक्षक किशोर पटेल, थाना प्रभारी सटई उप निरीक्षक दीपक यादव, चौकी प्रभारी पडरिया उप निरीक्षक कुलदीप सिंह जादौन, सहायक उप निरीक्षक BD राजपूत, प्रधान आरक्षक रतिराम, प्रधान आरक्षक संतोष अहिरवार, प्रधान आरक्षक जगवेंद्र सिंह, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक आबिद, आरक्षक नरेंद्र प्रजापति, आरक्षक अनूप यादव व साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।